आदरणीय प्रशासक महोदय, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव श्री भूपेंद्र सिंह भल्ला साहब, माननीय सांसद दादरा एवं नगर हवेली श्री नटू भाई जी पटेल, हमारे वित्त सचिव श्री ज्ञानेश भारती जी, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री खुराना साहब, श्री योगेश जी, एमडी ओआईटीसी मैडम अलका दीवान जी, पंचायत के अध्यक्ष श्री शंकर भाई वाघमारे जी, हमारे दादरा एवं नगर हवेली के कलेक्टर श्री मीना साहब, हमारे सम्माननीय उद्योगपति एवं सुब्लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय भाई अग्रवाल जी, हमारे साथी एवं हमारी दादरा नगर हवेली इंडस्ट्री एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन श्री राजन अग्रवाल जी, मेरे सहपाठी डॉक्टर शिल्के, यहाँ पे आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथिगण एवं सभी अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया से आए हुए हमारे सभी मेहमान लोग, हम दादरा नगर हवेली के सभी पदाधिकारी एवं मेंबर्स आज इस दादरा नगर हवेली इंडस्ट्री के थर्ड एक्सपो एग्जीबिशन के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर हम सब आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, दादरा एवं नगर हवेली के विकास में यहाँ की औद्योगिक इकाइयों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी दिशा में हमारा यह प्रयास यहाँ की इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपडेट करने के लिए उनके वेंडर्स, सप्लायर्स, एसेसरी पार्ट्स के सप्लायर्स को एक मंच पर साझा इकट्ठा करके उनको यहाँ पे आमंत्रित करके यहाँ की इंडस्ट्रीज को और उनके सप्लायर्स को एक व्यक्तिगत एवं व्यापारिक आदान प्रदान के लिए हम इस एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं। पिछले तीन, ये हमारा थर्ड एक्सपो है और ये हम प्रतीत कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये हमारा प्रयास धीरे धीरे इसमें कुछ सफलता भी हमको मिल रही है। जैसा कि पिछली अप्रैल 2011 में हमने पहला सेकंड एक्सपो यहाँ पे किया था जो इसी स्थान पे हुआ था। हर एक्सपो में हमें यहाँ के प्रशासन ने भरपूर सहयोग मिला है और हमारी पूरी मदद की है, जो जिस चीज़ में भी हमें जरूरत पड़ी है। स्पेशली ओआईडीसी के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस अवसर पर अच्छा अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं प्रशासक महोदय जी को ये भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले तो मैं उनको ये धन्यवाद करूँगा कि यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं, जो भी यहाँ पे पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रशासन ने हमेशा अपना पूरा सहयोग दिया है कि इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी तरह चले, उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, और हमको सबको भरपूर सहयोग मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बट थोड़ा सा मैं आज उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आज के समय में यहाँ का उद्योग एक थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और उस ऐसे समय में जबकि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र अपने यहाँ इंडस्ट्रियों को स्थापित करने के लिए कुछ विशेष पैकेज और इंसेंटिव दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा इंडस्ट्री यहाँ पे बनी रहे और यहाँ पे बढ़ती रहे, उसके लिए थोड़ा सा उपाय विचार करने की ज़रूरत है। और मिलजुल के सांसद साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ की इंडस्ट्री के लिए कुछ और स्पेशल पैकेज के लिए वो थोड़ा कोशिश करें और हमें थोड़ा माहौल दें। और थोड़ी सी ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन करने के लिए हमें कोई जगह, हमारी सब एसोसिएशंस को या इंडस्ट्रीज को हमें ये पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें मीट करने के लिए कोई जगह या भवन भी वो आमंत्रित करें तो हम उसके लिए हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।